नमस्कार, नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर्व ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि पर बातचीत करता रहता हूँ, पर आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को, शेयर मार्केट्स को चौकन्ना कर दिया है, डरा दिया है। भारत में विशेष करके जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो रही है वो है अडानी ग्रुप जो है, उनके शेयर मार्केट के में उनके स्टॉक्स का, उनका शेयर्स का धराशायी होना, जो विश्व के वो नंबर दो के सबसे अमीर आदमी थे उस लिस्ट से पहुंच के 21वें नंबर तक पहुंच गए हैं। तो इस कंपनी का, अडानी ग्रुप जो है, इनकी कंपनी का भविष्य क्या है, ऐसा क्यों हुआ है और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हो रहा है, इन सब विषयों पर मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूँ। बातचीत का आधार क्या है? बातचीत का आधार है गौतम अडानी जो इस कंपनी के मालिक हैं, उनकी जन्म कुंडली, उनके ग्रह स्थिति के हिसाब से मैं बात करने का, इसके ऊपर कुछ दृष्टि डालने का, इसको एनालाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 24 जून 1962 अहमदाबाद। संभावना है 11:33 प्रातःकाल इनका जन्म कहीं इसके आसपास हुआ है। सिंह लग्न की जन्म पत्री है। जन्म पत्री पर दृष्टि डालें तो अत्यधिक प्रबल जन्म पत्री है, परंतु ये जो घटना चक्कर हुआ है ये अत्यधिक चौंकाने वाला है। इसको समझने के लिए हम भूतकाल में इनके जीवन के ऊपर दृष्टि डालें तो तीन तरीके से देखें। एक तो इनकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। कुंडली में विशेष क्या है? सप्तम भाव में प्रबल गुरु चंद्र का योग जो है कुंभ राशि में, प्रबल बुधादित्य योग बन रहा है, गज के स्त्री योग बन रहा है वो है। दशम भाव में प्रबल धनेश चंद्र बुध है। नवम भाव में प्रबल भाग्येश मंगल है और एकादश भाव में लग्नेश सूर्य है। बहुत प्रबल कुंडली है यदि देखा जाए, परंतु हो क्या रहा है? दूसरी जो चीज क्या है, इनकी 7.5 का दूसरी ढैया शुरू हुई है 17 जनवरी से, और ये घटना चक्कर जो है ये कब चल पड़ा है? 24 जनवरी को। अब कुछ इनके जीवन को समझने के लिए इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके ऊपर दृष्टि डालें तो इनके भूतकाल को देखें तो क्या हुआ है। देखिए, इनकी 7.5 बहुत इंपॉर्टेंट है शनि इनके लिए। 6 स्थान में शनि केतु है और 12वें स्थान में शुक्र राहु है। तो शनि की स्थिति, राहु की स्थिति, केतु की स्थिति कुंडली में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पूरी कुंडली के ऊपर दृष्टि यदि हम डालते हैं तो इनका 7.5 में ही जन्म हुआ, जो 24 जून 1962 को जब ये जन्मे थे उस दिन से लेकर 2069 तक चली। तो बचपन जो है काफ़ी टफ था, सभी बहन भाई चौल में एक जगह, कोई बड़े अच्छे नहीं थे, गरीबी में इन्होंने समय काटा है। दूसरी जो 7.5 चली है वो 1990 से लेकर 1998 के बीच में। इस समय इनकी आयु जो है ये लगभग जो है आप ये कह सकते हैं 62 का जन्म है, तो आयु इनको ये थी ये समय 28 से लेकर 30 वर्ष, 90 में इनकी आयु जो थी वो लगभग 26 वर्ष की थी, और जब 98 में देखते हैं हम तो 36 वर्ष के करीब हो जाते हैं। 90 में 28 वर्ष और 98 में 36 वर्ष। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण थे इनकी दूसरी शनि की ढैया, इसमें इन्होंने संघर्ष के साथ में अपना जीवन आरंभ किया जो है पूरा। परंतु इनका लाइफ कब स्टार्ट हुआ है, कैरियर कब स्टार्ट हुआ है, वो इनका जो कैरियर स्टार्ट हुआ है वो है इनकी कुंडली में इनकी जो जन्मपत्री है उसकी, उसके ऊपर जब हम दृष्टि डालते हैं तो इनका जो जीवन का जो समय स्टार्ट हुआ है जिसमें इन्होंने संघर्ष के उपरांत सफलता प्राप्त करनी शुरू की थी वो समय था इनका 1980 से लेकर 1983 के बीच में, जब इनकी शनि महादशा चल रही थी। शनि महादशा इनकी चल रही थी और शनि महादशा के अंत में जो बृहस्पति का टुकड़ा चल रहा था वो लगभग जो है 1986 तक गया है। 81 से 83 के बीच में जो है इन्होंने 1980 से लेके और 1983 के बीच में इन्होंने जब अपना ध्यान से देखते हैं तो दिसंबर
1983 से और जून 1986 के बीच में शनि महादशा गुरु अंतर में इन्होंने अपने जीवन को आरंभ किया है, जिसमें व्यापार आरंभ किया है। परंतु तो सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि इनकी जो दशाएं चली हैं 9 जून 1986 से 19 जून 2003 ये बुध महादशा थी, इसमें इन्होंने संघर्ष के उपरांत प्रबल बुध दशम स्थान में अपने को एक धनाढ्य व्यक्ति के रूप में अपनी कंपनी को उठाया, आगे बढ़े हैं। बुध बात है प्रबल दशम भाव में, ये बुध ही इनको यहाँ तक लेके आया। बीच में इनकी साढ़े सती आ गई थी, वो उसमें थोड़ी सी इनको बाधा ही है, वो बुध की महादशा में वो साढ़े सती का जो समय था, वो जो समय था इनका वो था मार्च 1990 से मार्च 1998 के बीच में। इसी एज में जो इनकी 28 और 36 की एज है, इसी के बीच में लगभग ये सब कुछ ये कर रहे थे, बुध की दशा भी चल रही थी। उसके बाद में ये किडनैप हुए थे 1998 के आसपास, 78 के आसपास। उस समय केतु महादशा में इनके जब ये किडनैपिंग हुई थी, केतु बुध की महादशा में राहु चल रहा था, बुध की महादशा में राहु चल रहा था। इनकी कुंडली में ध्यान रखें, छठे स्थान में केतु शनि है, बारहवें में राहु शुक्र है। तो बुध महादशा राहु अंतर, बारहवें स्थान का राहु बहुत गंदा है, इसमें इनकी किडनैपिंग हुई थी 1997-8 के आसपास, बुध राहु के पीरियड में इनकी किडनैपिंग हुई थी। उस समय इनका जो ये शनि है कुंडली में नीच चल रहा था, नवें भाव में मंगल के ऊपर, तो आपराधिक गतिविधि हुई जिसमें इनकी किडनैपिंग हुई थी। भाग्यवश ये बाहर निकल के आ गए, उससे छूट गए थे, क्योंकि गुरुचंद्र इनको हमेशा बचा लेते हैं इनकी समस्याओं से। दूसरी दशा इनकी जो चली है वो 2000 महादशा जो चली है केतु की, 19 जून 2003 से 19 जून 2010 इस दशा में, ये 7 वर्ष की दशा में शेयर मार्केट में स्टैब्लिश होना, काम को आगे बढ़ाना, ये अच्छा गया है। उसका जो तीसरी महादशा इनकी जो वर्तमान में चल रही है, शुक्र महादशा, 19 जून 2010 से 19 जून 2030, ये जो महादशा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसी में सब गड़बड़ हुआ है। शुक्र इनके बारहवें स्थान में शनि की दृष्टि में है। हुआ क्या है देखिए, इनकी जो साठ सती अंतिम साठ सती शुरू हुई है 19 जून 2010 से और ये चल रही है 2028 तक, अप्रैल 2028 तक, और दशा चल रही है 2010 से 2030। ये साढ़े सती के बीच का समय, बीच की ढैया चल रही है इनकी, ये ढैया चल रही है इनकी 17 जनवरी 2020 से, 17 जनवरी 2023 से और मार्च 2025 तक। 17 को ये तारीख शुरू हुई है, 24 तारीख को हाइडनबर्ग जो एक रिसर्च कोई कंपनी करती है, उन्होंने इनको ऊपर आरोप लगा के अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी कि इन्होंने फ्रॉड किया, बहुत कुछ किया है। ये इस समय जब ये हुआ है 24 तारीख से, तो देश की कुंडली में उस समय ये बजट भी आ रहा था और भी घटा चक्कर चल रहे थे काफ़ी। तो यदि इनकी कुंडली में हम नज़र डालें तो ये वर्तमान में होगा क्या, देखिए इनका गुरुचंद्र अत्यधिक प्रबल है, ये कोर्ट से और बैंकों से बेदाग निकल जाएंगे, यानी कोर्ट केसेस में यदि आप ये जाते हैं ये बेदाग निकल जाएंगे, बेशक वो भारतीय कोर्ट हों या इंटरनेशनल कोर्ट हों। जैसे अभी इनका शनि काफ़ी ख़राब हो गया, जो सप्तमेश व्यापार का स्वामी है, तो डाउ जोन्स जो हैं ये अमेरिकन शेयर मार्केट या इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनकी रेटिंग को काफ़ी नीचे कम करनी है, ये तीसरे से 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। तो इनका ये समय कब तक खराब है इनके, देखिए वर्तमान में 24 नवंबर 2022 से 19 अप्रैल 2000 तक शुक्र महादशा में गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। राहु ने इनको किडनैपिंग हुई है तब भी परेशान किया है, और 1998-99 में अभी भी राहु चल रहा है, सिर्फ 6 महीने का, नवंबर में शुरू हो गया है ये शुक्र महादशा गुरु में राहु, गुरु चंडाल योग भी बनता है 22 नवंबर 2022 से 19 अप्रैल 2023। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि 60 सती की दूसरी ढैया शुरू हो चुकी है, गुरुचंद्र के ऊपर शनि का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए व्यापार को बहुत जबरदस्त झटका लगा है। शनि की दृष्टि इनके सप्तम भाव में जा रहा, साथ में भाग्य साथ को देख रहा, लग्न को देख रहा, परेशानियों में डाल दिया है। दूसरे हुआ क्या है कि सूर्य जो लग्न है उसका भ्रमण मकर राशि में चल रहा है, मकर कुंभ मीन में जब तक ये चलता रहेगा थोड़ी परेशानी इनको रहेगी, और वो परेशानी का जो समय है वो लगभग 15 अप्रैल तक है सूर्य का जो भ्रमण है। परंतु 19 अप्रैल 2023 तक इनका शुक्र गुरु राहु चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं उसी समय 31 मार्च से लेकर
31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक तो गुरु अस्त है। तो इनका जो स्टार जुडिशरी का है, बैंकिंग का है, रूल्स रेगुलेशंस का है, ये सारी समस्याओं का, ये जो गुरु है अस्त है, इसमें ये समस्या धीरे धीरे चल रही है। परंतु तो सबसे जो खराब ग्रह स्थिति चल रही है अभी शनि का अस्त होना जो चल रहा है 31 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक, ये काफी समय खराब है। जैसे सूर्य और शनि की युति होगी 14 फरवरी के आसपास से, वहां से थोड़ी समस्या और बढ़ेगी, परंतु 5 मार्च के उपरांत जैसे ही शनि उदय होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत सरकार और इनकी अपनी कुंडली थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। शेयर मार्केट में भी इनका वर्चस्व द्वारा स्टार्ट होगा। मूडी और कई अन्य जो एजेंसीज है उन्होंने ऑलरेडी वो कह रहे हैं इनका बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा है और इनके रिसोर्सेज ठीक है, इनकी रेपुटेशन ठीक है। ये लग रहा है कि 5 मार्च के बाद धीरे धीरे ठीक होंगे। 14 फरवरी से 5 मार्च के बीच में धीरे धीरे काफी खराब है समय, लेकिन 5 मार्च के बाद धीरे धीरे ठीक होंगे। परंतु कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे भारतीय सरकार है, ईडी है, अन्य एजेंसीज जो हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का कुछ पीरियड 31 मार्च से 30 अप्रैल तक स्टार्ट हो सकता है। होगा क्या, अंतिम होगा क्या, देखिए कुछ रेमेडियल मेजर्स इनको करने पड़ेंगे। परंतु ये इनकी कंपनी जो है साठ सत्य की जो बीच की ढैया है, ये चल रही है इनकी अप्रैल, जैसे मैंने आपको कहा था ये चल रही है इनकी 19 अप्रैल 2023 तक, शुक्र गुरु राहु, ये जो इनका पीरियड चल रहा है, इस पीरियड के बाद में ये थोड़े से ठीक होंगे, थोड़े से ठीक हो जाएंगे ये। और साढ़ सती जो इनकी चल रही है, ये बीच की ढैया, ये काफी ज्यादा इनको परेशान करती जा रही है। और गुरु चंद्र का इनका जो योग है, इनको ये दोबारा शेयर मार्केट में एस्टेब्लिश कर देगा। इस योग के चलते बैंकों से बेदाग निकलेंगे, कोर्ट में मुकदमों में जीतेंगे। ये एक गुरु जो है भारत की कुंडली में मार्केट ग्रह भी है, तो ये भारत की अर्थव्यवस्था से इनकी समस्या जुड़ गई है। देश की कुंडली में सूर्य जो है वो भी 5 मार्च को प्रबल हो रहे हैं, तो अपोजिशन का जो अटैक या इंटरनेशनल कॉन्सिप्रेसी कहिए, कुछ भी कहें, उससे ही बाहर आ जाएंगे 5 मार्च के उपरांत। परंतु बैंकों का, एजेंसीज का वो जो तारीख है 31 मार्च से 30 अप्रैल थोड़ा खराब है, 30 अप्रैल के बाद वहां से भी ये ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरे जो है हर प्रकार से समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। परंतु देश की जो है आप ये कह सकते हैं कि देश की अपनी रेपुटेशन है और देश का जो आर्थिक स्थिरता है वो उससे ये बेदाग होकर निकल आएंगे और देश निकल आएगा। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, 14 फरवरी से धीरे धीरे देश और इनकी कुंडली में बड़े माइन्यूट सुधार है, तनाव चलता रहेगा, 5 मार्च से थोड़ा बेटर हो जाएगा देश भी इनका भी। परंतु तो इनका जो गजकेसरी योग है इनको बचा के लेकर निकल जाएगा, इनको उपाय अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि इनका जो अभी शुक्र मादश में शनि अंतर जो है काफी गंदा है और शनि की ढैया भी चल रही है, दूसरी ढैया चल रही है 19 अप्रैल 2023 से 19 जून 2026, इस पीरियड को ये इनके इन प्रक्रिया इनको किसी प्रकार निकालना ही पड़ेगा। उसके लिए उपाय जरूर ये करें, परंतु तो बॉटम लाइन क्या है, गुरु चंद्र योग गज के सी योग इनको निकाल के ले जाएगा। इन्होंने जो बहुत मेहनत की थी 2010 के उपरांत, उसमें थोड़ा सा इनको झटका लग गया। ये शुक्र 12वें स्थान में है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये विदेश में कहीं ना कहीं पे इनके कुछ आप कह सकते हैं कि उन्होंने शेल कंपनीज बनाई है, बहुत कुछ बनाया, पर लीगली बिल्कुल ये ठीक होते लग रहे हैं। और इनको कोई ऐसा भी नहीं है कि इनको सजा हो रही है, जेल हो रही है, ऐसा कोई भी चीज़ इन चीज़ों के कोई लक्षण नहीं नजर आ रहे हैं कुंडली में। और इनका भाग्य प्रबल है, जो व्यापार से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा, शेयर मार्केट से जुड़ा ग्रह केतु, गुरु चंद्र सभी प्रबल है, साढ़े सती का इम्पैक्ट है ये। उपाय जरूर करें, एक अच्छा माणिक्य धारण करें और पीला मुखराज धारण करें, और शनि के जितने गहन उपाय हो सकते हैं शनि के पाठ इत्यादि करने से ये इस जो समस्या है इससे बाहर आ सकते हैं। और ये क्या कॉन्सिप्रेसी हुई है, इसकी संभावना बहुत है, क्योंकि इनकी कुंडली में देखेंगे, जब इनकी कुंडली में बुध महादशा में राहु अंतर में किडनैप हुए थे, केतु महादशा में, केतु महादशा शनि अंतर गया था इनकी कुंडली में 26 नवंबर 2008 को, जब ये बॉम्बे अटैक हुआ था उस समय उस होटल में ये खाना खा रहे थे।
इस समय क्या चल रहा है, केतु गुरु राहु, इस समय ये शेयर मार्केट, तो इनकी कुंडली में राहु शनि केतु, राहु शनि और केतु, ये तीन मुख्य ग्रह हैं, इनके उपाय जरूर कर लें और पीला पुखराज माणिक्य इत्यादि धारण करने से समस्या से बाहर आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।